कुछ कहना है। अच्छा फिर साथ कि वो मंदिर बनवाएंगे तो कांग्रेस का मंदिर वाला मामला आ गया है। बीजेपी शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, अच्छा इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिवकुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? ठीक है समरिया, ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब तो इस तरफ गम ही गम था और उधर ईद थी, बेकसी बेबसी काबिले दीद थी। इस तरफ गम ही गम था उधर ईद थी, बेकसी बेबसी काबिले दीद थी। वाह क्या सीन है, दिस इज नॉट फेयर मोदी जी, आपको नहीं सपोर्ट करें क्या हम? तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।